सब टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि इन दिनों दया भाभी की वापसी को लेकर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और वहीं शो में अब वो खास मौका आ गया जब शो में दया भाभी की वापसी होगी, जहां मेकर्स ने रियल और रील दोनों ही जगह वादा किया था कि इस साल के एंड तक कुछ खास मौके पर दया भाभी की वापसी हो जाएगी। और वहीं शो के रिसेंट ट्रैक में दया भाभी की एंट्री का ट्रैक काफी लंबे समय से चल रहा है। वो खास मौका जिस दिन शो में दया भाभी की वापसी होने वाली थी, यानी दिवाली का दिन, जो कि शो में आ चुका है, जहां शो के लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया जाता है कि जो सुंदरलाल है वो दया भाभी के साथ कार में बैठकर आ रहे होते हैं। और वहीं वो कार जिसमें दया भाभी और सुंदरलाल हैं वो गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाती है। फिर उसके बाद जेठालाल उसका गेट खोलने जाते हैं और वो उसका गेट खोल ही रहे होते हैं और फिर उसका वो गाना गाते हैं दया के स्वागत पर। उसके बाद जो प्रोमो है वो खत्म हो जाता है और अभी तक ये सस्पेंस है कि इस बार दया भाभी की वापसी होगी भी या नहीं। अगर इस बार दया भाभी की वापसी नहीं हुई तो मेकर्स को फैंस का गुस्सा झेलना पड़ेगा। अगर फैंस के कमेंट्स को देखा जाए तो फैंस कन्फर्म्ड है कि शो में दया भाभी की वापसी नहीं होने वाली, ये ट्रैक सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है कि इस बार दया भाभी की वापसी होगी या नहीं, और इस बार दया भाभी की एंट्री होनी चाहिए या नहीं? और ऐसे ही टेलीविजन एंड फ्रेंड्स से जुड़ी सारी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।